हेलो डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मम्मी फूड्स। आज मैं आप सबके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो मैंने चॉकलेट गनाश केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऑर्डर आया था चॉकलेट गनाश केक। तो ये मेरा जो है अभी अचानक से शाम में जो है मुझे आ गया ऑर्डर कि आपको बना के देना है, और मेरे घर में लाइट भी नहीं थी, बहुत परेशानी थी। मगर जो है मैंने कहा कि चलो एक आ गया है तो आज इसको भी बना के कम्प्लीट कर ही देते हैं। तो उनका था ऑर्डर कि मुझे शाम में उन्होंने ऑर्डर दिया और कहा कि जो है मुझे सुबह 10 बजे तक चाहिए। तो आप जानते हैं कि केक बनाने के लिए टाइम चाहिए, आइसिंग करने के लिए टाइम चाहिए, तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो है उनके ऑर्डर को माना और मैंने कहा ठीक है, मैं आपको बना के दे देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने चॉकलेट गनाश केक जो बनाया है वो होममेड बनाया है, अब बिल्कुल आसानी से ही बनाया है। और मुझे केक बनाना बहुत पसंद है, मेरी हॉबीज़ है केक बनाना, कि मुझे ऑर्डर अगर मिले तो मैं बहुत ज़्यादा बनाऊँ। और आप देख सकते हैं मैंने उनका ऑर्डर था कि हार्ट शेप में आपको केक बना के देना, क्योंकि उनके हस्बैंड का बर्थडे था। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि केक आप बाहर से भी ले सकती थी, तो बोले नहीं आप बनाती अच्छे हैं और जो है कि होममेड है वो भी फ्रेश केक आपके यहाँ से मिल जाएगा। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। तो यहाँ पर गनाश बनाने के लिए मैंने चॉकलेट लिया, चॉकलेट को मैंने मेल्ट कर लिया और साथ में मैंने व्हिपिंग क्रीम डाला है। तो चॉकलेट की जो रहेगा चॉकलेट मैंने थोड़ा डाला है, और उसमें जो मैंने एक कटोरी के लगभग डाला है व्हिपिंग क्रीम, क्योंकि गनाश हम व्हिपिंग क्रीम से ही बनाते हैं और चॉकलेट से। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रिफाइन ऑयल मिला दिया था, तो आप देख सकते हैं मैंने इन सबको मेल्ट कर लिया और अच्छे से छान लिया था। छानने के बाद यहाँ पर हम इसको निकाल लेंगे, और निकालने के बाद तब हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है चॉकलेट गनाश की रेसिपी रेडी कर ली है, और आप केक देख सकते हैं मैंने रात में ही इसको अच्छे से बेस बना लिया, क्योंकि बेस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको ठंडा करके बनाना पड़ता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसको कटिंग कर लिया है, और 9 बजे मैं ये बना रही थी और उन्होंने कहा कि केक रेडी हो गया है। मैंने कहा कि आप इतना अचानक से ये ऑर्डर दीजिएगा, ऊपर से जो आपको जल्दी जल्दी चाहिए तो ऐसे नहीं होता है। तो उन्होंने कहा अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ। तो उन्होंने मुझे टाइम दे दिया और कहा कि मैंने कहा कि कम से कम तो आपको 1 घंटा आइसिंग करने में लग जाएगा, मतलब कि ठंडा करने में। उसको आइसिंग करके मैंने जल्दी जल्दी उसको रेफ्रिजरेटर में रखा, फ्रीज़र में, और रखने के बाद उसको जल्दी जल्दी ठंडा किया, क्योंकि चॉकलेट केक है तो चॉकलेट केक जल्दी से व्हिपिंग होने लगता है, मतलब क्रीम जो मेल्ट होने लगती है, व्हिपिंग क्रीम मेल्ट होने लगती है। अब गर्मी का बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी इसकी आइसिंग किया, और आप देख सकते हैं मैंने चॉकलेट चिप्स डाला है, क्योंकि उनके हस्बैंड को भी चॉकलेट केक बहुत पसंद है, उनके बेटे को भी बहुत पसंद है। जब भी वो मुझसे बनवाती है तो चॉकलेट केक ही बनवाती हैं, क्योंकि उनके घर में सबको पसंद है। तो यहाँ पर मैंने जो केक बनाया ये एगलेस केक बनाया है, बिना अंडे वाला, दही से मैंने बनाया है। तो यहाँ पर हमारा जो है केक को मैंने कम से कम आधी घंटा के लिए इसको फ्रीज़र में रखा था आइसिंग करके, ताकि बहुत अच्छे से एकदम जम जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं फिर मैंने चॉकलेट जो गनाश बनाए थे मिल्टन, इसको थोड़ा सा नॉर्मल रखना पड़ता है। ज़्यादा गरम गरम चॉकलेट गनाश हमें डालेंगे तो हमारी क्रीम पूरी व्हिपिंग क्रीम जो है वो मेल्ट हो जाएगी और पूरा केक हमारा बिगड़ जाएगा। तो मैंने इसको फिर से थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे ठंडा किया, ठंडा करने के बाद जल्दी से मैंने इसको ऊपर से डाला, फिर इसको मैंने कम से कम आधी घंटा रखा फ्रीज़र में, ताकि ये केक जो है चॉकलेट जो है और व्हिपिंग क्रीम जम जाए। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने इसको निकाला, फिर क्योंकि संग संग जल्दी जल्दी करने से जो होता है हमारी क्रीम जो है और हमारा केक बिल्कुल ख़राब हो जाता है, क्योंकि चॉकलेट जब तक जमेगी नहीं, ठंडी नहीं होगी, तब तक जो हम ये जो साइड में डिज़ाइन बना रहे हैं नोज़ल से, तो ये किस तरह से बनेगा। तो इसलिए हमको यहाँ पर इस तरह से बनाना पड़ता है। तो मैंने इसको आधे घंटा रेफ्रिजरेटर रख करके इसको ठंडा किया, जमाया, और इसके बाद मैंने इसकी डेकोरेशन की। तो जल्दी जल्दी करते करते कम से कम मुझे फिर भी 11:30 बज ही गया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, केक को शाम में काटना है। मैंने उनसे कहा कि जब भी आपको ऑर्डर देना हो तो प्लीज़ 1-2 दिन पहले दिया करें, क्योंकि हमारे पास सामान अवेलेबल रहता है मगर उसके टाइम चाहिए, और परेशानी कभी भी बता के नहीं आती, आप जानते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई कि मेरे घर में शाम में लाइट चली गई थी, इस वजह से मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी, और उन्होंने शाम में ही ऑर्डर दिया था। खैर अल्लाह करके, बहुत अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह के हो गया अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने जो है चेरी लगाया, चेरी लगा के इन सब की अच्छे से डेकोरेशन कर दिया। और मेरी चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विज़िट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा मेरे वीडियोज़ को, और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर किया करें, ताकि मेरी वीडियोस आगे तक बढ़े। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, कमेंट्स करके भी बताया कीजिए कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगी। तो यहाँ पर हमारा हार्ट शेप का केक बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है, और मैंने इसके अच्छे से आइसिंग कर दी थी,
और आप देख सकते हैं मैंने इसको चॉकलेट चिप्स से, मेरे पास ब्लैक भी था मगर मैंने कहा नहीं वाइट से करेंगे तो थोड़ा सा इसके डेकोरेशन अच्छे से उभर के आ जाएगा, तो यहाँ पर मैंने चॉकलेट चिप्स जो है इसकी अच्छे से डेकोरेशन कर दी। और आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से मेरा बन गया केक बहुत जल्दी से, क्योंकि केक बेस अगर बन जाता है तो रेडी करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मगर इसको आइसिंग करके कम से कम ओवरनाइट के लिए हम लोग को जो है रखना पड़ता है ताकि क्रीम बहुत अच्छे से सेट हो जाए उसमें। तो जब तक क्रीम आपकी सेट नहीं होगी और ख़ास करके चॉकलेट केक जो होता है तो वो चॉकलेट मेल्टेड होने का ज़्यादा असर डर रहता है। तो यहाँ पर है हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो गया, मैंने उनको जल्दी भी फ़ोन किया कि आप प्लीज़ जल्दी से आके ले जाएं, तो उन्होंने लिया। और अभी तक तो जो है कि मेरा केक जब भी मैंने उन्हें बना के दिया उनको बहुत पसंद आता है मेरा एगलेस केक, बोलती हैं कि आप एकदम मार्केट जैसा ही बनाते हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसा, बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मेरी इज़्ज़त हमेशा बनाए रखी। तो यहाँ हमारा जो है ऑर्डर बिल्कुल रेडी है और आप देख सकते हैं इसकी डेकोरेशन हार्ट शेप में उनको भी बहुत पसंद आया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल अच्छा लगा और उनके हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया ये डिज़ाइन, उन्होंने फ़ोन करके बताया मुझे। बहुत बहुत जो है मैं खुश हो गई कि चलो मेरी मेहनत रंग लाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह से काम करते रहना हर इंसान को अच्छा लगता है, और वो भी अगर आपके ऊपर मुश्किल है उसमें भी आप अगर निकल जाते हैं तो ये अलग बहुत बड़ा करम होता है कि हर मुश्किल का सामना करते हुए इंसान निकल जाता है। तो ये हमारा जो चॉकलेट केक बिल्कुल अच्छे से हो गया है, तो इसके चलिए हम करते हैं डब्बे में इसको पैक करना है हमको। हमेशा इंसान को मेहनत और लगन से ही करते रहना चाहिए काम, चाहे वो जो कोई काम हो। तो यहाँ पर मैंने जो है उन्होंने तुरंत कॉल किया कि आप मुझे जल्द से दे पैक करके, मैं आ रही हूँ। तो मैंने डब्बे में इसको पैक किया, आप देख सकते हैं मैंने इसको रखा और डब्बे में अच्छे से मैंने इसको पैक करके उनको दे दिया और वो लेके चली गई। तो आपको ये जो रेसिपी मैंने बनाई चॉकलेट गनाश की और ये मैंने होममेड बनाई, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा।